अच्छा जी, आवाज आ रही है शिजीरा? ओके यस सर आ रही है। फाइन, हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा ना डिटेल वाली चीजों को देख लेंगे कि डिटेल में जो रिस्क एनालिसिस है वो कैसे होता है। अच्छा, इसके अंदर जो इसकी खासियतें हैं वो हमने पहले भी डिस्कस की कि नंबर एक तो है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट एवेल्यूएशन देता है आपके किसी भी चीज की सिक्योरिटी की, जिसकी आप सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहे होते हो, रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हो। लेकिन एक तो इस पे हाई कॉस्ट होती है, और फिर सबसे पहले ना ये डिफेंसिव सिक्योरिटी कंसर्न्स को फोकस करता है, यानी कि आपके सिस्टम को डिफेंड कैसे करना है सिक्योरिटी थ्रेट से, उसको ये फोकस कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, वो इस पूरे डिटेल सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस से गो थ्रू होती है। अच्छा, ये होता कैसे है? सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो उस असेसमेंट के लिए, उसके लिए अगर कोई अप्रूवल्स लेनी है, उसके बाद टीम्स हायर करनी है, वो उन सारों के मतलब उस सारा प्लान जो करना है उसके लिए, अगर कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेट करना है तो उनको फ्री करना है कि यार आप आज से 1 महीने के लिए आपकी जो असल ड्यूटीज है उनसे आप फ्री हैं, और आपने अभी वाला काम करके 1 महीने में इसकी रिपोर्ट देनी, इस तरह से होता है। फिर उसके बाद आप जब वो टीम आपकी सारी कंपाइल हो जाती है, सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, तो फिर आप एक्चुअल स्टेप नंबर 2 पे जाते हो कि आप सिक्योरिटी एनालिसिस को कंडक्ट करते हो। उसके लिए आप करते हो, सबसे पहले थ्रेट के सोर्सेज और इवेंट्स ऐसे कौन कौन से हैं जिनके थ्रू आप पे थ्रेट अकर हो सकते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हो। फिर उसके बाद आप देखते हो कि यार ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी वल्नरेबिलिटीज है जिनके से खतरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किचन में अगर आप गैस का बर्नर खुला छोड़ दें तो ये खतरा हो सकता है कि तो आके आग चलाएगा तो आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये वो कंडीशन वाले फेज में आ गया। और वल्नरेबिलिटीज दूसरी वाली होगी जो आपको मतलब मुख्तलिफ इशूज की वजह से अकर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पैच नहीं हुआ हुआ या उस पर एंटीवायरस नहीं लगा हुआ, तो ये आपको नुकसान पहुंचवा सकता है, बिकॉज उसके ऊपर कुछ थ्रेट्स होंगे तो वो कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, या आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो वो वायरस आपके सिस्टम को खराब कर देगा। फिर उसके बाद आप ये देखते हो कि अच्छा ये काम कितनी बार हो सकता है। ठीक है, तो कितनी बार इसके अकर होने के चांसेस है, ये भी बड़ा मैटर करता है। एक चीज ऐसी है जो है तो बहुत खतरनाक, फॉर एग्जाम्पल आपको सांप काट जाए, अब ये खतरनाक काम है, लेकिन आप जंगल में तो जाते नहीं, वो रहते इस्लामाबाद में हो, तो यहाँ पे इस काम के होने का लाइकलीहुड बहुत कम है। ठीक है, तो ये तो वो हो गया, तो इसलिए सांप काटने का खतरा आपको इस्लामाबाद में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको मच्छर काट जाए तो वो बहुत ज्यादा काटते रहते हैं, आजकल तो मौसम भी है, और उसमें से कोई डेंगी मच्छर हो वो काट जाए तो ये तो बहुत ही ज्यादा इसका जो है ना लाइकलीहुड की चांसेस है कि आपको डेंगी वाला मच्छर जरूर काट सकता है, क्योंकि आपको आम मच्छर भी शायद कुछ ना कुछ भी आप बाहर निकलते हो, इधर उधर मूव करते हो, तो हमारे एनवायरमेंट में अच्छे खासे मच्छर होते हैं, घर के अंदर भी शायद हो, तो वो मतलब उसका लाइकलीहुड काफी ज्यादा है इस वाले काम का। तो ये भी मैटर करता है कि यार आपका अगर एक थ्रेट बहुत खतरनाक है लेकिन मतलब उसका अकर होने का चांस बड़ा कम है, तो वो उसको आप थोड़ा सा डाउन लेवल पे रखते हो असेसमेंट करते हुए, और जिसका चांस बार बार अकर होने का है तो उसको आप थोड़ा सा हाई ले आते हो, क्योंकि उसने हो ही जाना है कभी ना कभी, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरी बार शायद हो जाए। फिर उसके बाद आपका आता है कि आप देखते हो कि यार अगर ये काम हो जाता है, बिलफर्ज हमने कहा लाइकलीहुड उसकी कम है ज्यादा है बट एवर है, एक बार भी है या 1000 बार है साल में, जब वो अकर होते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या क्या चीजें रुक जाएंगी, क्या क्या काम होने बंद हो जाएंगे, कितना माली नुकसान होगा, कितना किसी और क्वालिटेटिव टर्म्स में नुकसान होगा। ठीक है, तो वो नुकसान क्या होगा, आपकी गुडविल खराब हो सकती है, ये क्वालिटेटिव चीज होती है। तो मकसद कहने का ये है कि फिर आप जब ये सारे काम कर लेते हो तो उसके बाद अब टोटल रिस्क डिटरमिन होता है, यार अच्छा ये सारी चीजें जो पिछले हैं इन सबको सामने रखते हुए मैंने फिर कोई क्वांटिफाइबल वैल्यू निकाली रिस्क उस और उस हवाले से उस एसेट के ऊपर। फिर उसके बाद आप क्या करती हो, कम्युनिकेट रिजल्ट्स कर देती हो। ठीक है, कम्युनिकेट रिजल्ट का फायदा ये होता है कि उसका आप ये चीजें हायर मैनेजमेंट को बताओ, और मतलब उसकी रिपोर्ट बनाओ, वो सबको भेजो, जो भी करना है करो। और फिर उसके बाद आप इस काम को असेसमेंट को मेंटेन रखते हो, लाइक ईयरली बेसिस पे आप ये काम करते रहते हो एक्टिविटी, ताकि हर साल जो है हम 2 हफ्ते लगाएं, और 2 हफ्ते 52 में से 2 हफ्ते लगा के, साल में 52 हफ्ते होते हैं नॉर्मली, तो 52 में से एटलीस्ट 2 वीक्स की आप एक्टिविटी रख लेते हो, ताकि ये जो है ना हमारा सिस्टम री एवेल्यूएट रीअसेस होता रहे, और जो उस दौरान में नए खतरे इवॉल्व हुए हैं जो अभी तक हमने उनको काउंटर नहीं किया, वो भी जो है ना हमारी नज़र में आने के बाद वो काउंटर हो जाए। ठीक है, तो उसके अंदर ये जो सारे स्टेप्स हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, कि सबसे पहले आप तो कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करते हो कि यार आपने कौन से एसेट आइडेंटिफाई करने हैं, उनको किस सिनेरियो में कितने लेवल कितना डीप जाके आपने उसको
असेस करना है, जैसे एयर हेडक्वार्टर के लिए अलग होगी और एयर इंडस्ट्री के लिए अलग होगी और सेव मार्ट के लिए अलग होगी, तो किस लेवल के ऊपर आपने डीप जाना है और किस तरह से उसको लेके चलना है। फिर आपके ऊपर कोई लीगल कंस्ट्रेंट तो नहीं है कि हो सकता है कि आपका हॉस्पिटल हो या आपका बैंक हो तो आपने वो पीसीआई डीएसएस के या हिपा के स्टैंडर्ड को भी, उसकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना हो, तो इस तरह के अगर कुछ स्टैंडर्ड आप अप्लाई हो रहे हैं, या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, जैसे गवर्नमेंट ने सारी मेरे ख्याल में इंटरनेट कंपनीज को कहा हुआ है कि वो अपने यूजर्स का 1 महीने का या 3 महीने का लॉग लाजमी रखेंगी उनकी एक्टिविटीज का, तो अभी आपकी लीगल रिक्वायरमेंट आ गई हुकूमत पाकिस्तान की कि जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने एंड यूजर जो आपके यूजर्स हैं, जिस तरह मैं हूँ आप हैं सब लोग हैं, तो उनका वो 3 महीने या 1 महीने का मुझे पर्टिकुलर फिगर याद नहीं है, उतने अरसे का उन्होंने लॉग जरूर रखना है, जरूर रखना है, ताकि अगर 6 महीने के अंदर अंदर किसी ने कोई एक्टिविटी की हो वो उसको पकड़ी जाए तो वहां से लॉग जाकर उसका कोई सबूत वगैरह निकाल सके। तो अभी आपकी लीगल रिक्वायरमेंट आ गई, ये चीजें आपने देखनी होती हैं उस हवाले से, तो इस तरह से करके बेस लाइन वगैरह बना के रिस्क एपिटाइट ये चीज होती है। तो सेकेंड लास्ट है कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितने रिस्क को हजम कर सकती है, ठीक है, जैसे बाज लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरे मोल लेने के आदी होते हैं, वो इतना डरते वरते रहेंगे, कुछ लोग होते हैं वो जरा सी बात पे भी कहते नहीं यार वो कर लो, ठीक है, जैसा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अगर बाइक या गाड़ी चला रहे हो तो बाज लोग सीट बेल्ट लाजमी पहनते हैं, भले ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई पुलिस वाला आपका चालान ना भी करे तब भी वो पहन के रखते हैं, वो कहते हैं नहीं यार इससे सेफ्टी होती है, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हुआ तो हमारी पसलियाँ टूट सकती हैं स्टेयरिंग लगने से, रही हो बहुत लोग होते हैं वो बंद भी नहीं करते उसको, ऐसे ही डाल लेते हैं ऊपर के यार पता लग जाए कि वो बेल्ट पहनी हुई है, वो भी इसलिए डाली होती है कि आगे पुलिस वाला आके कोई चालान ना कर दे और जो ही पुलिस वाली जगह गुजरती है तो वापस उतार देते हैं, तो ये वो लोग भी होते हैं, अब उनकी रिस्क एपिटाइट ज्यादा होती है, वो बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं तो वो नहीं बेल्ट पहनते, ठीक है, कुछ लोग होते हैं छोटे छोटे रिस्क को भी इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो जरा सी बात पे भी सेफ्टी मेजर अख्तियार कर लेते हैं, बेल्ट पहन लेते हैं जैसे गाड़ी वाली ड्राइविंग वाली। तो मकसद कहने का ये कि रिस्क एपिटाइट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी इसी तरह से होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फ्रंट पे आके खेलती हैं, रिस्क लेती हैं, उसकी वजह से बाज बार उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है, जाहिर है जो बंदा ज्यादा रिस्क लेगा उसको बाज को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है, कई बार ये होता है वो लॉस में भी चली जाती है, रिस्क लेती है लेकिन वो रिस्क एक्चुअली फुलफिल नहीं होता तो वो काम खराब हो जाता है उनका, तो ये फिर अप एंड डाउन चलते रहते हैं, ठीक है। और इसमें वो देखते हैं कि यार रिस्क एपिटाइट की बेस पे कि वो कितना रिस्क है जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, उस एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर का जो रिस्क होगा ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर ट्रीट करना पड़ता है, उसको उसको कवर करना पड़ता है, तो ये चीज है। अब ये देखो ये जो हमारे सामने है जेनरिक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें ये जो ब्लू से कलर का ये बार बना है इसमें जो पिछली वाली तरह जो चीजें होंगी वो लेस वल्नरेबल होंगी, इन पे कम सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे, और जो हाई फाई वाली है फ्रंट वाली साइड ब्लू वाली साइड की वो मोर वल्नरेबल होंगी, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मीडिया, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसपे आईटी सिक्योरिटी के थ्रेट बहुत कम होते हैं, ठीक है, फिर रिटेल है, कम्युनिकेशन है, यूटिलिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, इनमें थोड़े से मीडियम लेवल के रिस्क होते हैं, इनपे ज्यादा अटैक आ रहे होते हैं, फिर हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्टेशन है, गवर्नमेंट है, और बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इनपे बहुत ज्यादा मतलब रिस्क होता है इनको अटैक्स का और इन चीजों का। सिर्फ बैंकिंग है तो बंदा कहता है मैं बैंक अगर हैक कर लेता हूँ तो मैं उधर से पैसे आगे पीछे कर लूंगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे उस गवर्नमेंट के चक्कर में होने के से मुखालफों की तरफ से इस तरह के अटैक्स आ सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर में वो ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट डाटा होता है, उसकी सिक्योरिटी प्राइवेसी बड़ी हाई फाई होती है, उसके लिए मसला होता है। ट्रांसपोर्टेशन भी अब जो है ना स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ दुनिया जा रही है, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में फिर जो है ना उस पर अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सारे मामला जो हैं ये हैं कि आपके लेस वल्नरेबल एरियाज ऑर्गेनाइजेशनल कौन कौन से हैं, फिर मीडियम वाले कौन कौन से हैं और मोर वाले कौन से हैं, सबके ऊपर एक जैसा ये जो क्या कहते हैं ये थ्रेट या सिक्योरिटी का इशू नहीं होता। अब इसमें आप क्या करते हो, जो स्टेप्स अब लिखे हैं कि सबसे पहले एसेट आइडेंटिफाई करते हो, आप देखते हो कि कौन कौन से एसेट हैं जो मेरे लिए क्रिटिकल हैं और मैंने उनको एग्जामिन करना है, उसके ऊपर मैंने ये जो सारा ये जो मसाइल है अगले वाले जो आने वाले हैं वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। इसमें एसेट के नीचे डेफिनेशन लिखी है एनीथिंग, यहाँ इस हवाले से एनीथिंग दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, वरना तो हर चीज आपका एसेट है, लेकिन यहाँ पे हम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में एसेट आइडेंटिफिकेशन में एसेट उसको कहेंगे जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने आगे टर्मिनोलॉजीज भी दे दी कि एसेट क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है और रिस्क क्या होता है, उन्होंने वो तीनों चीजें बयान कर दी। एसेट को आपको पता लगे कि क्या होता है, फिर थ्रेट क्या होता है, कि थ्रेट क्या है, एक पोटेंशियल है फॉर अ थ्रेट सोर्स टू एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी, जैसे अगर मेरे घर में गैस लगी हुई है तो मुझे खतरा है कि यार ये गैस कहीं लीक होगी तो मेरे घर में आग लग सकती है, तो ये उसके अंदर थ्रेट है, अभी हुई नहीं है लेकिन एक खतरा मुझे पता लगा कि यार क्योंकि मेरे घर में गैस लगी हुई है तो ये एक्सप्लॉइट हो सकती है। इसमें अगर आपका एक एक एप्लीकेशन चल रही है आपके ओएस के ऊपर, तो आपके ओएस
में अगर कोई एप्लीकेशन रन हो रही है तो आपको साथ ही उसका फिर से खतरा आ गया कि यार कोई बंदा अगर इसको किसी तरह से कोई भी तरीका इख्तियार करते हैं इसको बफर ओवरफ्लो का एक्सप्लॉइट इस पे रन कर दे तो मेरे सिस्टम पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले सकता है या मेरे सिस्टम क्रैश कर सकता है, तो अभी उसका थ्रेट आ गया। अभी किसी ने किया नहीं है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी पैदा होगी कि क्योंकि इस पे एक एप्लीकेशन चल रही है तो कोई भी बंदा अगर किसी तरह से एक्सेस करके उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा तो उसको एक मैदान मिल जाएगा कि हाँ यार इस यहाँ मैं ट्राई मारूँ। ठीक है, फिर वल्नरेबिलिटी क्या है? थ्रेट तो ये था ना कि किसी एप्लीकेशन की प्रेजेंस ऑन योर सिस्टम। अब वल्नरेबिलिटी ये है कि उस चीज में उस खतरे के थ्रू एक्सप्लॉइट होने की ऑप्शन है कि नहीं है। जैसे अगर आपके घर में गैस लगा हुआ है तो एक खतरा तो आ गया कि जहां पे भी गैस लगी होगी वहां लीकेज का खतरा होगा, लेकिन क्या आपके सिस्टम में आपके घर में जो लीक जो आपके वॉल्व लगे हुए हैं और ये सारी चीजें लगी हैं, हो सकता है कि वो वॉल्व ऐसे हो कि उनमें ऑटो ऑफ का जिसना पे हीटर आते हैं ना तो उसमें वो जो नए वाले रनाई के जो हीटर होते हैं उसमें वो ऑटो ऑफ का इग्निशन होता है कि अगर आपका वो टेम्परेचर ना आ रहा हो यानी कि खाली गैस आया हो रही है इसका मतलब है और वो नहीं हो रहा आग नहीं लगी हुई तो वो फौरन अपने आप को शट ऑफ कर लेते हैं, मतलब शट डाउन कर लेते हैं तो आपकी गैस लीक नहीं होती, यानी कि आपने गैस खुली छोड़ दी। ठीक है, लेकिन वो रनाए का वो जो हीटर होगा वो चेक करेगा कि यार अच्छा ये गैस तो लीक हो रही है बट क्या मेरा वो जो जगह है जहां से गैस लीक होती है जहां आग लगनी है वहां का टेम्परेचर भी उतना है जितना आग लगने पे होता है, अगर नहीं है तो उसका मतलब है कि खाली गैस लीक हो रही है आग नहीं लगी हुई, तो वो अपने आप को शट ऑफ कर लेता है, वो आगे गैस को जाने नहीं देता ताकि वो लीक हो सके। तो ये वल्नरेबिलिटी अगर आपने वो रनाए वाला 14,000 का हीटर लिया हुआ है तो उसमें ये ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आपने 2,000 वाला मतलब लिया हुआ है गुजरा वाला वाला हीटर तो उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। तो गैस के आने से या हीटर के लगाने से आपको थ्रेट तो आ गया, लेकिन जिसके घर में रनाए का हीटर है उसको उसके गैस वाले सेटअप में ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती गैस लीक होने की, लेकिन जिसके घर में ये दूसरा वाला है उसके घर में ये वल्नरेबिलिटी भी एग्जिस्ट कर रही है कि यार वो लीक हो सकती है गैस। ठीक है, और फिर रिस्क क्या है कि वो जो हमने वल्नरेबिलिटी की बात की वो कितनी परसेंट चांस है कि ये हो जाएगा काम, वो गैस लीक हो जाएगी या आपका जेवर है वो चोरी हो जाएगा, वो कितने कितने पॉसिबिलिटी है कि कितने कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हो कि यार ये काम हो जाएगा, वो आपका रिस्क आ जाता है। जितना हाई रिस्क होगा उतना ही ज्यादा फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब उसकी वही वाली बात यानी कि थ्रेट क्या होता है, थ्रेट वो है जो आपके इन चीजों में से किसी चीज को डिस्टर्ब कर दे, इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी और ये रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अब थ्रेट की क्या भाई सोर्स होगी, थ्रेट अपने आप से तो नहीं आएगा। अब थ्रेट के जो सोर्स हो सकते हैं वो या तो एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है, एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है कि अल्लाह ताला की कोई बात ऐसी हो कि वो अल्लाह ताला की तरफ से जो कर होती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, अब आपका डाटा सेंटर है तो अब वो अगर अर्थक्वेक आए तो डाटा सेंटर आपका तबाह हो सकता है तो उसमें सारा डाटा उड़ सकता है, लेकिन ये काम जो है नेचुरल एक्ट हो गया। इसकी थ्रेट की सोर्स क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है कि अल्लाह ताला ने यार जल्दा भेजा था तो वो खराब हो गया। दूसरा है मैन मेड कि आपका कोई दुश्मन है उसने आपके उस पर कोई खतरा बना दिया, उसने कोई आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश की तो मैन मेड में आ गया। और एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट ये होते हैं कि यार अब एक चीज थी किसी का मकसद नहीं था कि अटैक करे लेकिन वो गलती से अटैक हो गया। ठीक है, तो ये मतलब डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल में मतलब ये कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जानबूझ के की जाती हैं, वो डेलिब्रेट के केसेस में आ जाएंगी कि डेलिब्रेट थ्रेट्स हैं हमारे पे। और अगर वो एक्सीडेंटल है कि बिलफर्ज आपको पता नहीं था आपने गलती से मतलब आपने हीटर लाया हुआ था और गैस चली गई, ठीक है, और गैस चली गई तो आपको याद ही नहीं रहा, आप एक्सीडेंटली आपने उसको गलती से खुला ही छोड़ दिया, बंद नहीं किया तो आप उठ के चले गए और साथ ही फिर क्या हुआ कि जब गैस आई तो उसमें से लीकेज शुरू हो गई, तो एक्सीडेंटल केस में आएगा ये वाला। ठीक है, ये जो ये वाला सिनेरियो मैंने आपको बताया, लेकिन आपने फिर टेक्निकल और ओएस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी जाना है, इस हवाले से नहीं जाना। ये नो वहाँ पर भी लिखो कि रनाए का हीटर जो है वो तेज जलता है तो उसमें गैस में गलती हो रही है वो। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना ह्यूमन थ्रेट्स भी होते हैं। ह्यूमन थ्रेट्स क्या होते हैं, तो सारे आगे ना मतलब एक्ट ऑफ गॉड और ये वो वाले। ह्यूमन थ्रेट्स में क्या हो सकता है, मोटिवेशन, यार अगर आप किसी बंदे को मोटिवेट करो, जैसे अगर हम पाकिस्तानी और हम कहते हैं यार हम इंडिया को अच्छा नहीं समझते, अपना दुश्मन तसव्वुर करते हैं, तो हमारे हमें को मोटिवेट करते हैं यार ठीक है तुम ये वाला काम करो ना इंडिया पे, ये सारा साइबर अटैक करो तो इंडिया को नुकसान होगा यार वो हमारा दुश्मन है, तो ये एक आपके ना मोटिवेशन होगी कि यार आपको अटैक करके मोटिवेशन मिल गया कि यार इंडिया हमारा दुश्मन है तो हम उस पर अटैक करना चाह रहे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरी कैपेबिलिटी, खाली मोटिवेशन काफी नहीं है, आपके पास ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस पर अटैक कर सके, उनके किसी सिस्टम को हैक करने के काबिल भी हों, खाली मोटिवेशन से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरी मोटिवेशन ये है कि यार मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 करोड़ डॉलर आ जाए तो ठीक है भाई, तो क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है कोई मैं कारोबार कर रहा हूँ जिससे मुझे 1 लाख डॉलर होने का फायदा हो सकता है, या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या मैं कोई और किस तरह का काम कर रहा हूँ, कोई जॉब करूँ, कोई काम क्या करूँ, घर बैठे बैठे तो कैपेबिलिटी मेरे में नहीं होगी कि मैं 10 रुपए भी कमा सकूँ, 10,000 तो कमाना दूर की बात है, तो कैपेबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर
उस काम को करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ये नहीं कि यार ख्याली पुलाव बनाया और कहा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आप उसको पूरा फिजिकली देखें कि यार मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज के ऊपर जब मैं कोई एक्टिविटी करता हूँ, जैसे मतलब जो भी कोई एक्टिविटी है, तो क्या मैं वो एक्टिविटी करने के लिए मेरे पास सारी चीजें अवेलेबिलिटी भी है कि नहीं है। फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द अटैक क्या है, कोई वाली बात की कितने परसेंट चांसेस है कि ये वाला अटैक अगर हो जाएगा, या अगर आप खुद अटैकर हो तो सक्सेसफुल हो जाएगा। और सबसे आखिरी बात है डिटरेंस के, आपने उसके अगेंस्ट बचाव के क्या क्या काउंटर मेयर अख्तियार किए। जितने ज्यादा अच्छे काउंटर मेयर होंगे उतना ही आपका जो डिटरेंस है ये हाई हो जाएगा, जितने कम आपके काउंटर मेयर होंगे उतने ही आप ज्यादा वेलरेबल भी होंगे और आपको डिटरेंस लेवल भी बड़ा कम हो जाएगा। तो इसके साथ साथ ये सारी करंट चीजें, एक्ट ऑफ गॉड, मोटिवेशन, फलां ढमका, ये सारी चीजें देखने के साथ आप ये भी देखते हैं कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे इससे पहले कोई अटैक होने की हिस्ट्री है। अगर है हमारे पास कि यार पिछले साल भी दो तीन अटैक हुए थे, उससे पिछले साल पांच छह हुए थे, तो अब ये भी देख लो कि वो अटैक किस तरह के थे, उन्होंने क्या काम किया था, ताकि हो सकता है अगर इस बार भी कोई बंदा आके वही काम करने की कोशिश करे तो आपको पहले से पता हो, आपने वहां पे फंदा लगाया हुआ और आप उसको पकड़ ले उस बंदे को जो उस तरीके से होकर आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उनके थ्रू भी आपने देखना है कि अगर प्रीवियस हमारे पास कोई अटैक हुए थे तो किस तरह से हुए थे, ताकि आप वो ले जो मसाइल है उनको कवर अप कर लो। फिर उसके बाद आप ये सारे काम करने के बाद वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, भी हमने सारी डिटेल में डिस्कस किया था कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, और वो फिर आप आइडेंटिफाई करते हो कि अच्छा क्या मेरे सिस्टम में जिस पे थ्रेट था उसमें ये वल्नरेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो जिस तरह हमने अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल लें तो हमने कहा कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम में बफर ओवरफ्लो हो सकता है, ये थ्रेट है, तो क्या हमारे सिस्टम पे हो सकता है, वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। तो हम चेक करेंगे तो कहेंगे नहीं यार हमारे वाले में तो सी नहीं है कि भाई हमारी तो जो कोडिंग हुई है वो हुई भी है रस्ट लैंग्वेज में। तो रस्ट लैंग्वेज तो भाई टाइप सेफ लैंग्वेज है, वो तो मेमोरी का ये वाला काम अलाउ ही नहीं करती, पेपर ही वो आपका प्रोग्राम ही कंपाइल नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर मेरा जो ये है कोड है इसके अंदर वल्नरेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये वाला कोड मेरा सी शार्प में प्रोग्राम हुआ होता तो मैं कहता हाँ यार इसका पॉसिबल है कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटी ना होती है, तो यार इसको उस तरह से ना चलाओ जिस तरह से आप नॉर्मल प्रोग्राम चलाते हो। ओके फाइन, इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है एनालाइज करते हो रिस्क को, ठीक है। इसके लिए नीचे फॉर्मूला भी दिया है, रिस्क इज टू प्रोबेबिलिटी थ्रेट अकर इंटू कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिस्क के अंदर आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लेके आते हो कि वो थ्रेट अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको मल्टीप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार मेरा एक केस हो सकता है कि मेरा सिस्टम शटडाउन हो जाए ऑटोमेटिकली, तो उस पे ये मेरा खर्चा है $1,000 का, कि यार अगर मेरा सिस्टम डाउन होगा जब तक आपको होगा मेरे तकरीबन $1,000 खर्च हो जाएंगे उसको आप करते करते, उससे जो मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी बात वो कहते हैं कि दूसरा इसके जो पहला वाला ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी थ्रेट अकर, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपका एक साल में आपका थ्रेट कितनी बार अकर होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरे थ्रेट है कोई भी जिसका वैल्यू मैंने निकाल ली कि उसकी बिलफर्ज $1,000 है और वो 10 बार अकर हो सकता है महीने में, तो 1,000 ضرب 10 इसका मतलब है मुझे ₹10,000 पर मंथ का खर्चा है इस चीज को मेंटेन रखने के लिए। चांसेस हैं कि यार ये 10 बार ये जो सिस्टम है ये डाउन होगा और उसके मुझे वो मेडिकेशन करनी पड़ेगी, उसका मतलब है कि यार इसको मैंने अप्लाई मतलब मल्टीप्लाई किया 1,000 को 20 से, कि मेरा चांसेस थे कि 20 पैसे जोड़ना पड़ेगा तो वो 20,000 हो गए। तो ये रिस्क इनटू प्रोबेबिलिटी थ्रेट अकर्स इनटू कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, के कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो थ्रेट अकर होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि जब भी एक बार वो अकर होगा तो आपका कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा। अच्छा, एग्जिस्टिंग कंट्रोल यूज्ड टू अटेम्प्ट टू मिनिमाइज थ्रेट नीड टू बी आइडेंटिफाइड। तो एग्जिस्टिंग कंट्रोल, क्या आपके सिस्टम में ऐसी कोई चीजें हैं जो कि थ्रेट को मिनिमाइज कर रही हैं या कर सकती हैं, अगर हैं तो वो भी आपने आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि कुछ कंट्रोल तो आप नए लगाओगे सिक्योरिटी के लिए, कुछ हो सकते हैं ऐसे हो कि जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में और उनको यूज करते हैं या सिक्योरिटी को मतलब वो कर लो हासिल, तो आपने उनको भी आइडेंटिफाई करना है। और वो कौन कौन से कंट्रोल हो सकते हैं, मैनेजमेंट का कंट्रोल हो सकता है, क्या मैनेजमेंट का तरीका का इस तरह का करना है कि वो आपका रिस्क खत्म हो जाए, आपका ऑपरेशन कंट्रोल हो सकता है, आपका टेक्निकल प्रोसेस या प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से हो सकता है, यानी कि जिसकी मदद से आप सिक्योरिटी अचीव कर रहे हैं, आप एग्जिस्टिंग कंट्रोल की चेकलिस्ट लगा सकते हैं, या आप अपने जो की ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ हैं उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं ताकि उनकी मदद से आप उनसे मशवरा लें। देखें ना कोई चीज़ है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम है, किचन का काम है, किचन का काम जो है उसके लिए मशवरा लेना सबसे अच्छा ये है कि अम्मी से बनता है कि यार उनको किचन का पूरा अबूर हासिल है, अगर हम उनसे मशवरा लें तो वो हमें किसी मुश्किल का अच्छा हल बता देंगे। जैसे मुझे अगर दाल पकानी नहीं आती तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि अम्मी दाल कैसे पकाते हैं, तो मुझे गाइड कर देंगे, तो मैं दाल पका लूँगा, ओके फाइन, मेरा इतना बड़ा मसला उन्होंने 1 मिनट में हल कर दिया। तो ये वाला काम होता है कि जो काम जिस हवाले से काम करता होता है बंदा, वो उसको उस एरिया का बंदा ज्यादा अच्छा मशवरा दे सकता है, बजाय इसके कोई 4 किताबें पढ़ के उस एरिया पे अपना वो रूप झाड़ने की कोशिश करे और चेंज लाने की कोशिश करें। ओके फाइन,
उसके बाद ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्क की लाइकलीहुड क्या है। ये अगली जो तीन चार स्लाइड्स आ रही है ना ये इंटरमिंगल है। रिस्क की लाइकलीहुड से मुराद ये कि रिस्क का कितने परसेंट चांस है कि ये रिस्क अकर होगा। तो रेयर का मतलब है कि यार साल में एक आध बार या बहुत ही 2 साल में एक आध बार अकर हो तो ये रेयर के केस में आ जाएगा। अनलाइकली ये है कि यार ये कभी कभी तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। अनलाइकली यार हाँ ठीक है हो सकता है साल में एक आध बार हो जाए, चांस ही है कभी हो जाए ना हो। चलो पॉसिबल का मतलब है कि यार ये होगा सही, थोड़े लिए टाइम के लिए होगा, हो सकता है दिन साल में 3-4 बार हो जाए लेकिन होगा सही, ये कंफर्म है, तो ये पॉसिबल में आ जाएगा। लाइकली में फिर ये होता है कि यार ये इसको जरा सा कुछ चांस मिला तो ये वाला काम हो जाएगा। और ऑलमोस्ट क्राइटेरियन सर्टेन, ऑलमोस्ट सर्टेन, हाँ ऑलमोस्ट सर्टेन इसका मतलब है कि यार ये तो बिल्कुल पक्का है कि इस काम ने होना ही होना है। अभी नहीं हुआ तो घंटे बाद हो जाएगा, घंटे बाद नहीं हुआ तो एक दिन के बाद हो जाएगा, लेकिन होगा सही थ्रेट अकर। ये वो चीज आ गई जो आपका ऑलमोस्ट सर्टेन में आता है। तो ये 5 लेवल होते हैं जिसको आप वहां पे डालते हो कि यार लाइकलीहुड क्या है इस वाले रिस्क की। तो हर जब रिस्क को कैलकुलेट करते हो तो बताते हो कि यार ये रिस्क तो मेरा रेयर है, बहुत मुश्किल है कभी करूँ, लेकिन ये वाला रिस्क जो है लाइकली है यार, ये होता रहेगा, ये हमारे साथ ही लगा रहेगा जब तक ये मिसाइल है, ठीक है। तो ये इस तरह के रिस्क आ गए। फिर दूसरा है कंसिक्वेंसेस। पहले हमने देखे थे कि रिस्क के अकर होने के लाइकलीहुड क्या है, अब हम देख रहे हैं कि रिस्क के कंसिक्वेंसेस क्या है कि यार अगर ये रिस्क जिसकी लाइकलीहुड कम है या बहुत ज्यादा है व्हाटएवर जो भी है, जब ये अकर हो गया तो इसके हमारे ऊपर असरात क्या पड़ेंगे, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। इनसिग्निफिकेंट क्या है, वो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, मीन हल्का फुल्का सब 10 मिनट के लिए कुछ चीज़ रोकेगी फिर चल पड़ेगी। जैसे अगर हम कहते हैं यार रोटी पकानी है या खाना खाना है तो हम कहते हैं यार ठीक है 7:30 का मेरा टाइम है तो यार कोई बात नहीं, अगर 10 मिनट ऊपर भी होगी तो खैर ये, तो मैं 10 मिनट के लिए वो थोड़ा सा कुछ चीज़ दे दूंगा। अच्छा मुझे नींद आना शुरू होगी यार, इस बार मुझे नींद आ रही है, आप लोग सामने नहीं बैठे हुए और मैं नींद दिलाता हूँ, एक मिनट मैं जरा उठ के बैठ जाऊँ। अच्छा तो दूसरा है माइनर, तीसरा है मॉडरेट, चौथा है मेजर और 2 आगे भी हैं अगली स्लाइड पे। तो ये क्या है कि जो जो उसके कंसिक्वेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं जिससे आपके सिस्टम को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा नुकसान हो रहा होता है तो उसका लेवल भी बढ़ना शुरू होता है। इनसिग्निफिकेंट और माइनर और मॉडरेट का मतलब है कि ये थोड़े जरा लिमिटेड किस्म के हैं, इनका इम्पैक्ट जो है इनसिग्निफिकेंट का तो कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। माइनर का ये है कि 1-2 दिन के लिए आपको मसला होगा, मॉडरेट का है कि 1-2 वीक के लिए मसला हो जाएगा, मेजर का मतलब है कि मे बी आपको 4-8 वीक लग जाए मेजर इंसिडेंट के बाद वापस लाइन पे आते आते फिर सिस्टम को वापस नॉर्मल कंडीशन पे लाते हुए। और अगले 2 है कैटास्ट्रॉफिक है और डूम्स डे है। डूम्स डे का तो मतलब है कि अगर ये वाला कोई रिस्क अगर हो गया तो इसका जो कंसिक्वेंसेज है वो इतना बड़ा है कि आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, और अगर बंद ना हुई तो उसको 6 महीने लग जाएंगे संभलते संभलते, तो आपका सिस्टम ही पूरा और ऑर्गेनाइजेशन ही एट रिस्क चली जाएगी, ये वो डूम्स डे। और कैटास्ट्रॉफिक ये है कि यार बहुत ही बड़ा खतरा है और ये 3-6 से 6 महीने ले जाएगा, और उसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको हायर मैनेजमेंट की इंटरवेंशन चाहिए होगी, हो सकते हैं आप पे लीगल केसेस भी स्टार्ट हो जाए जिनको नुकसान पहुंचा। ये वो 5-6 जो है रिस्क के कंसिक्वेंसेस के लेवल है। अब ये डिटरमिन कैसे करते हैं, देखो ये वही जो दोनों चीजें हमने पीछे पढ़ी है ना कि यार कंसिक्वेंस क्या होते हैं और लाइकलीहुड क्या है, इनको हम मिलाते हैं। तो इनको मिलाने से ना कुछ चीजें जो हैं, देखो अगर डूम्सडे भी बहुत हाई लेवल की चीज है और ऑलमोस्ट सर्टेन भी बहुत हाई लेवल की चीज है, जब ये दोनों मिलेंगे तो उसका मतलब है इसका रिस्क लेवल एक्सट्रीम है। ई लिखा हुआ, ई फॉर एक्सट्रीम, एच फॉर हाई, एम फॉर मीडियम और एल फॉर लो। तो रिस्क का लेवल जो है ना जितना एक्सट्रीम होगा ना उसको हमें सबसे पहले हैंडल करना है, उसको हमें सबसे पहले खत्म करना है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक है, वो अगर रिस्क अगर होता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही फारिग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स बन रहा है कंसिक्वेंसेज वर्सेस लाइकलीहुड का, इसको हम देखते हैं तो हम कहते हैं डूम्स डे के लेवल के जितने भी थ्रेट हैं वो चाहे बार बार अकर हो, ऑलमोस्ट सर्टेन हो, लाइकली हो, पॉसिबल हो, अनलाइकली हो या रेयर हो। रेयर से मुराद अगर कभी जिंदगी में एक बार भी अकर हुआ और ये डूम्स डे वाला हुआ तो ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फारिग कर देगा, बिल्कुल बिठा देगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए डूम्स डे के जो रिस्क लेवल है वो सब एक्सट्रीम पे है। कैटास्ट्रॉफिक के ऊपर हम कहते हैं कि यार ऑलमोस्ट सर्टेन, लाइकली, पॉसिबली और अनलाइकली तो एक्सट्रीम पे है, लेकिन अगर ये कभी कैटास्ट्रॉफिक कभी रेयरली भी अगर हो गया तो यार ये भी हमारे लिए एक हाई लेवल का थ्रेट है। फिर मेजर है, अब हम इनसिग्निफिकेंट कहते हैं सबसे हल्के वाले पे, तो हम कहते हैं यार इनसिग्निफिकेंट अकर होने से अगर हमारा ऑलमोस्ट सर्टेन है उसका लेवल वो लाजमी होगा ही होगा तो उसका हमने रिस्क लेवल हाई रखा हुआ है। अगर लाइकली है उसका चांसेस हैं कि हर 1-2 महीने के बाद अकर होता रहेगा या महीने में 1-2 बार अकर होता रहेगा तो उसका जो रिस्क लेवल है वो मीडियम है, और बाकी तीनों पॉसिबल है, अनलाइकली, रेयरली हैं, ऐसे थ्रेट्स
जिनकी मदद से जो नुकसान है वो इनसिग्निफिकेंट होगा, मतलब होगा सही लेकिन 1-2 घंटों में काम आपका कवर हो जाएगा। वो जो चीज है ना, ये तीनों लो लेवल के रिस्क लेवल पे आ रहे थे। तो ये इस तरह से जो मैट्रिक्स बना हुआ है, नीचे वाले में वो लेवल दिए हुए और उनकी डिस्क्रिप्शन दी है कि एक्सट्रीम का क्या मतलब है, हाई का क्या मतलब है, मीडियम का क्या मतलब है और लो लेवल रिस्क का क्या मतलब है। और ऊपर जो है वो उन्होंने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कोऑर्डिनेट करवाया, कंबाइन करवाया कि यार अगर आपका कंसिक्वेंस डूम्सडे में हो तो अगर वो लाइकलीहुड है तो ऑलमोस्ट सर्टेन है तो फिर क्या लेवल होगा, लाइकली है तो फिर क्या लेवल होगा, अनलाइकली है तो फिर क्या होगा, रेयर है तो फिर क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल है उस सारे काम से हटते हुए जो हमने पिछली सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने कह रहे एक एसिड है, हम कहते हैं यार अपने घर के ना, हम अपने अपने एक घर है और एक बिजनेस है जिसके अंदर डाटा सेंटर है। तो हम पहले घर वाला देखते हैं, कहते हैं हमारे घर में एक इंटरनेट राउटर लगा हुआ है, ओके फाइन, तो उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज या थ्रेट हो सकते हैं, हमने वो आइडेंटिफाई किए। तो हमने कहा यार हमारे घर के राउटर को नेट के कोई आउटसाइडर का बंदा हैकर जो है वो अटैक कर सकता है, ओके फाइन, ठीक है, हमें थ्रेट मिल गया। अभी एग्जिस्टिंग कंट्रोल उस पर क्या लगे हुए, हमने चेक किया तो बदला गया, और उसके ऊपर एग्जिस्टिंग कंट्रोल सिर्फ ये लगा कि जब भी आप उसमें लॉग इन करते हो तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, अगर इसे यूजर नेम पासवर्ड मिल गया तो हमारे यहाँ नेटवर्क में घुस के उसमें कोई भी चेंज ला सकते हैं, ओके फाइन। एग्जिस्टिंग कंट्रोल उस पर जो लगा है सिर्फ ये कि जब भी आप उसमें लॉग इन करने लगते हो तो जब भी उस साइट पर जाते हो तो आपसे पहले कहता है अपना लॉग इन नेम और पासवर्ड बताओ, अगर आपने सही यूजर नेम और पासवर्ड दिया, लॉग इन नेम और पासवर्ड, तो हम आपको आगे जाने देंगे अपने इस वाले काम में, अदरवाइज आपको नहीं जाने देंगे। तो ये हो गया। अच्छा अब इसके लाइकलीहुड है पॉसिबल कि यार ये ठीक है, चूंकि आप इंटरनेट वो कनेक्टेड राउटर है तो उसको इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो उसका मतलब है कि वो आप पे अक्सर अटैक आते ही रहेगा, तो वो मतलब ऑनलाइन काम चल रहा है सारा। और फिर लेवल ऑफ रिस्क क्या है वो हाई है, और रिस्क की प्रायोरिटी क्या है वो हमने इसको पहली प्रायोरिटी दी है कि यार अगर ये चीज़ बैठ गई, हमारा जो इंटरनेट राउटर बैठ गया तो हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो हमारा ज्यादा नुकसान होगा, तो हमने इसको दिया। और दूसरी थी जो इसमें रिस्क है रजिस्टर, उसके अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा सेंटर है, यार हमारा डेटा सेंटर इसमें हमारा सारा डेटा पड़ा है, सर्वर पड़ा है, वो तबाह भी हो सकता है। कैसे तबाह हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, फायर या फ्लड आ सकता है, समझ, मतलब वो नारा लाइए वो चढ़ जाता है इस तरह करके कुछ। तो अगर ये काम हो जाता है तो फिर क्या होगा, एग्जिस्टिंग कंट्रोल कोई लगा हुआ है? हम कहते हैं जी नहीं, अभी तक तो हमने इस तरह के बारे में सोचा ही नहीं कि यार नारा लही अगर भर गया और हमारे ऑफिस में पानी आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हमने अभी नहीं सोचा वैसे। और अनलाइकली के वैसे वो मतलब ये होता है कि यार ये कभी चांस है शाजो नाजिर शायद ये वाला काम इंप्लीमेंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो मतलब इसको थोड़ा सा रिस्क लेवल को कम लेंगे, क्या क्योंकि इसने कभी शायद अकर होना है तो हम इसको बहुत ज्यादा मतलब सर पे ना चढ़ा लें कि यार ये पता नहीं, इसको हम लाजमी सेटल आउट करें करें। पहले जो आपके हाई रिस्क वाले हैं उनको हमने कवर अप करना होता है। फिर से कंसिक्वेंसेज मेजर हैं, अगर आपका डाटा सेंटर ही तबाह हो गया तो आपका इसका मतलब सारा डाटा उड़ गया, तो उसके कंसिक्वेंसेज काफी मेजर किस्म के हैं, उसका लेवल ऑफ रिस्क भी इस वजह से हाई हो गया है और उसकी जो रिस्क की प्रायोरिटी है वो 2 है। यानी कि आपने सबसे पहले तो जब भी आपके पास रिसोर्सेज है आपने सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट के राउटर को सिक्योर करना है, और उसके बाद आपने जो है ना इस डिस्ट्रक्शन ऑफ द डाटा सेंटर को हैंडल करना है। ये वाली आपकी जजमेंट आ गई कि यार देखो रिस्क लेवल जितना लो से एक्सट्रीम पे जाएगा उतना आपका इम्प्लीमेंट उस एरर को करने का ट्रीटमेंट हो जाएगा, और जितना ये लो हो लो की तरफ आएगा तो उतना इसको आपको कवर अप करना मतलब आसान होगा या उसको आपके ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जितना वो लो लेवल का होगा ना उस पर आपको फिर सिक्योरिटी भी उतनी ज्यादा पैसे लगेंगे। देखो एक सिस्टम है बिल्कुल सादा सा सिस्टम है, उसमें कोई फायरवॉल नहीं लगी हुई, कोई कुछ नहीं लगा हुआ, उसके लिए जब आप लेंगे तो आपको उससे कोई अच्छा कॉस्टली किस्म का एंटीवायरस लेना पड़े। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो ऑलरेडी सिक्योर एनवायरनमेंट में है, घर पे नहीं है, ऑफिस में बैठे, तो ऑफिस वालों ने और 10 सिक्योरिटियां लगाई होंगी, वहाँ पे फायरवॉल भी लगी होगी, सारे काम लगे होंगे, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा वो जो जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो कम हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीजें इस्टेब्लिश हुई हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ तो आपका फिर वो जो जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आप सोचते हो यार ये मैं इम्प्लीमेंट करूँ या ना करूँ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बस हमारा तकरीबन ख्याल है एक सेक्शन पहला वाला खत्म होने वाला है, तो दूसरे खत्म हो जाए देख लेता हूँ अभी। अच्छा तो रिस्क ट्रीटमेंट की ऑल्टरनेटिव लिखी है, हम क्या करते हैं, अब रिस्क जो है ना रिस्क को 5 तरीकों से देखा जाता है। एक इंपॉर्टेंट एक एक ये वो है सजेशन कह लो या सजेशन यानी कि स्लाइड है कि आप या तो रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कहते हो हाँ ठीक है यार रिस्क है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है रिस्क है, हम इसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसे हमारे घर में गैस लगी है तो गैस से लीक होने का खतरा है, या बिजली है तो बिजली का शॉर्ट सर्किट तो हो ही सकता है, लेकिन हमारे लिए इसकी इतनी जरूरी चीज है, इसके बेनिफिट इतने ज्यादा है कि दोनों का हमने किए होते हैं, हमने गैस भी लगवाई होती है, बिजली भी लगवाई होती है,
हालांकि उसके अंदर रिस्क, तो रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया हमने। हमने कहा ठीक है यार, हमें पता है रिस्क है, लेकिन हम ये काम करेंगे भी, हमारे लिए जरूरी है। हम देखो ना, बना ये भी सोचा कि हम गैस यूज ही ना करें, हम वो ओवन ले लें, उस तरह की चीज ले लें, और अपना खाना पकाना सारे का सारा वो उस आग वाले की जगह इस वाले पे कर लें, लाइक माइक्रोवेव में सारे का। तो लेकिन हम कहते हैं यार हम रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है लीकिंग का खतरा है, लेकिन हम ख्याल रख लेंगे, लेकिन हम ये घर में गैस जरूर लगवाएंगे, तो ये आपका एक्सेप्टेंस होगी। फिर क्या रिस्क अवॉइडेंस, क्या वो काम ही ना करें कि यार जिसकी मदद से आपको कोई रिस्क हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में खतरा है कि यार लकड़ी को आग लग जाएगी, तो आप लकड़ी का काम ही ना करवाएं, आप अलमारियां ना बनवाएं, आप दरवाजे भी जो लकड़ी के ना बनवाएं, ताकि कभी आग लगती है तो वो आपके घर में लकड़ी होगी नहीं, तो उसको आग नहीं लग सकेगी, आपकी आग फैल नहीं सकेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिस्क अवॉइडेंस, कि आपने वो काम ही छोड़ दिया जिसकी वजह से आपको रिस्क हो रहा था। तो आपने काम ही छोड़ दिया तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी आपकी। फिर रिस्क ट्रांसफर, कि आप रिस्क तो है तो आप इसको ट्रांसफर कर दो किसी और बंदे पे, यार अगर ये रिस्क अगर हो गया तो इसकी जो पेनल्टी पड़ेगी वो आपको किसी और बंदे को पड़ेगी। उसमें हम क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस का मतलब आपको पता है ना कि अगर कोई काम खराब हो जाए तो वो जो कंपनी पैसे होते हैं वो आप कंपनी को, कंपनी आपको दे देती है। वैसे आप हर तरह का प्रीमियम पे करते रहते हैं, यार मैं यहाँ पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई मसला हो गया तो आपने मुझे उस दौरान के लिए आपने हेल्प आउट करना है, तो इसको इंश्योरेंस के टर्म में। तो रिस्क ट्रांसफर का मतलब है कि आप अपनी जो जो रिस्क है, जो उसका कंसिक्वेंस है, वो आप अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हटा के किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर डाल देते हो, तो अगर वो अगर हो जाता है तो उसका पटा बैठ जाएगा उस वाली, उसको उसको कवर अप करना पड़ेगा, आप बच जाओगे। और अगर वो अगर नहीं होता तो उसको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि उसको आपकी तरफ से कोई फेवर मिल जाएगी, लाइक आप हर महीने उसको पैसे जमा करवा रहे हैं, व्हाटएवर। खैर, फिर एक होता है कि आप इसको कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं कि जिसकी वजह से आप रिड्यूस कर सकते हैं उसके कंसिक्वेंसेस को, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि यार आग लग गई, तो आग मैंने गैस वो लगवाई घर में, तो आग लग सकती है, अब आग लग सकती है, वेरी गुड। तो मैं क्या करूँ, एक तरीका तो ये था कि मैं रिस्क को अवॉइड कर दूँ, तो मैं गैस लगवाऊंगा, या आग लग गई है तो कटवा लूँ, ताकि मेरे घर में गैस होगी नहीं तो फिर आग कैसे लगेगी। या मैं उस रिस्क को ट्रांसफर कर दूं, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊं, मैं कहूं भाई मेरे पास ये घर है, तो यार मैं आपसे इंश्योरेंस चाहता हूं कि यार अगर ये घर अगले 20 साल में कभी आग लग गई, तबाह हो गया, तो मुझे अपना इंश्योरेंस के पैसे दे दोगे। वो कहते हैं ठीक है यार, हम हर महीने आपसे 1 लाख रुपए लेंगे, और अगर खुदा ना खासा इस दौरान में कभी भी आपका घर तबाह हुआ तो हम आपको वो पैसे वापस कर देंगे, सारे के सारे को फायदा हो जाएगा। तो ये मतलब आपका आ गया रिस्क का ट्रांसफर वाला काम। ठीक है, अच्छा, एक है रिस्क को रिड्यूस करना। रिड्यूस में ही होता है कि यार आप उस इस तरह अगर आपको आग लगने का खतरा हो गया तो आप क्या करोगे कि अपने घर में कोई बाल्टियां पानी की रख लोगे, कोई रेत की बाल्टी रख लोगे उस एरिया के पास जहां आग लगने का खतरा है, या आप फायर एक्सटिंग्विशर रख लोगे। तो आपने क्या किया कि रिड्यूस कर दिया रिस्क को, कि यार अगर खुदा न खासा आग लगी तो उससे नुकसान नहीं होने दूंगा, जो ही आग लगेगी मैं फौरन फायर एक्सटिंग्विशर चला दूंगा तो मेरी आग बुझ जाएगी। तो मकसद है आपने रिस्क को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन साथ उसने आपने काउंटर मेजर लिया, उसको रिड्यूस कर दिया कि यार नाउ अगर कोई मसला होता है तो ये मैं इसको कवर अप करूँ। और तीसरा है रिड्यूस लाइकलीहुड, पहला है कि उसके कंसिक्वेंसेस को आप रिड्यूस करो, और दूसरा है उसके अकर होने को रिड्यूस कर दो, ताकि वो अकर ही अगर पहले बहुत ज्यादा होता था तो अब जरा कभी कभी हो, तो कभी कभी होगा तो आपको थ्रेट भी फिर कभी कभी आएगा। तो इस तरह से करके ना ये 5 ट्रीटमेंट के अल्टरनेटिव है जिनको आप लेके चल रहे होते हो। यहाँ पे हमारा तकरीबन जो वो है वो खत्म हो गया। आगे केस स्टडी जो हमारी बुक है ना उसके अंदर दी हुई है केस स्टडी, को 3 सफ़ों की केस स्टडी है। इसमें मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें स्टडी में था क्या, मेरे ख्याल में शायद वो खत्म भी होने वाला है, 46 हो गए। तो केस स्टडी को ना हम ये मैं भी बंद करूँ, और बंद करने के बाद मैं इसको ना दोबारा नई स्लाइड भेजता हूँ, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और दें फिर हम इस केस स्टडी को देख के उसके बाद आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप ये ना दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा लेक्चर को।